हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहने वाली है ये सोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो एडमिशन करवाना चाहते हैं सोर्स में, उससे पहले जो उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का देने वाले हैं, तो उनका पेपर कैसा रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने विजुअल आर्ट्स का भी बना दिया है, ठीक है, और भी बाकी सब बनाता जा रहा हूँ, आप वो सब देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं या किसी और डोमेन के हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स, हाई इन 21st सेंचुरी स्किल का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना, ठीक है, उसको दो स्टेज में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहली जो स्टेज वन है ना, पहली जो स्टेज वन है वो एमसीक्यू टेस्ट की है, जो आप देने जा रहे हैं ना कल एग्जाम, उसकी जो पहली स्टेज है ना वो एमसीक्यू टेस्ट की है, यानी कि आपको 60 मिनट मिलेंगे, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे आपके, और वो एमसीक्यू होंगे, चार में से एक जो करेक्ट होता है वो वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना, 60 मिनट मिलेंगे, 60 ही क्वेश्चन होंगे आपके, और जो 60 क्वेश्चन होंगे ना उसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले न्यूमेरिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में वर्बल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, तो टोटल 60 है, 60 मिनट आपके पास होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मैट का, सैट का, इस तरीके के पेपर देखे होंगे आपने, एनएमएस जो स्कॉलरशिप के पेपर होते हैं ना, ठीक है, एनटीएससी इस तरीके से, जीएसटीएससी, तो उसको आप देख लेना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो उसमें मैट होता है ना। आगे सुनो, उसके बाद जब आपके स्टेज वन, ठीक है, जो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उन्हें स्टेज टू के लिए इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। मतलब आपका जो कल एग्जाम है वो केवल इतना ही है, और आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो एमसीक्यू आएगा, 1 घंटे का होगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। जो स्टेज सेकंड वाले हैं, मतलब जो इसको पास आउट कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे वो स्टेज सेकंड में, तब उनको प्रोजेक्ट वर्क और फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेज सेकंड में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है, कि उसके एप्टीट्यूड कितनी नॉलेज, उसको कितना इंटरेस्ट है, इस तरीके का उसकी स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड इंटरेस्ट देखा जाएगा। और स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क ओवर 3 to 5 डेज, बेसिक एक्टिविटी प्रॉम्प्ट प्रोवाइडेड अक्रॉस रेंज ऑफ टॉपिक, तो बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक दिए जाएंगे, और 3 से 5 दिन में से पूरा करना होगा। फिर आगे कह रहा है, स्टूडेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड इन पर्सन इंटरव्यू एट चूजन कैंपस टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोजेक्ट वर्क, तो जो उसने प्रोजेक्ट बनाया उसको उसकी व्याख्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है, जो उसमें इंटरव्यू होगा उसमें उसको बताना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट में मेरा ये है, ये खास बात है, वगैरह वगैरह। इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के अलावा स्टूडेंट्स में भी आस्क अ फ्यू जनरल क्वेश्चन ऑन देयर इंटरेस्ट एरिया, मोटिवेशन टू ज्वाइन सोर्स एक्सेट्रा। और इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से तो पूछा ही जाएगा, उसके अलावा आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, मोटिवेशन आपको कैसे मिला कि आपने सोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत से क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, और जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वंस अगेन।